यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। चार दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई। कोर्ट के फैसले सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। पिछली सरकारें धर्मांतरण के मसले पर नरम रहती थी। भाजपा सरकार धर्मांतरण को लेकर कठोर है।